दोस्तों अगर आप घर बैठे पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या फिर मेडिकल इमरजेंसी आ पड़ी तो ऐसे कंडीशन में आप इस एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं एक डिफरेंट लोन एप्लीकेशन के बारे में जिसके मदद से आप घर बैठे इंस्टेंट लोन ले सकते हैं एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऐप के मदद से जो कि एक RBI रजिस्टर्ड NBFC के तहत ही आपको लोन प्रोवाइड कराई जाती है। कौन सा एप्लीकेशन है, किस तरह से वर्क करती है, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। लेकिन आपको दोस्तों जानकारी के लिए बता दें, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, टर्म्स कंडीशन समझिए, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, लोन अप्लाई करने वक्त ओवरऑल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अपने हिसाब से सोच समझ के लोन अप्लाई करिएगा। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल स्किप करके नहीं देखेगा। आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे डिजिटल लोन एप्लीकेशन के बारे में जिसके मदद से आप घर बैठे इंस्टेंट लोन ले सकते हैं और आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। कहीं भी बैंक ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कम से कम डॉक्यूमेंट के ऊपर घर बैठे लोन ले सकते हैं, वो भी आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर। जानेंगे डिटेल्स में कौन सा एप्लीकेशन है, किस तरह से ये लोन सर्व करती है और किस NBFC के तहत आपको लोन फंडिंग करी जाती है, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत में आपको ये भी पता चलेगा कि कितने का यहाँ पर लोन भी लिया गया है, वो भी कितने दिनों के लिए। वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों अगर आप वाकई में अगर आपको पर्सनल लोन्स की रिक्वायरमेंट है, मेडिकल इमरजेंसी है, पढ़िए लो सिविल स्कोर है, तो आप इस एप्लीकेशन की तरफ दोस्तों जा सकते हैं। आप अपने सिविल स्कोर के यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइफ में पहली बार ऑनलाइन लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका सिविल स्कोर 0 होता है, तो ऐसे में यहाँ पर सिविल स्कोर को बिल्ड कर सकते हैं। टाइमली लोन को रिपेमेंट यहाँ पर करना होगा। शुरुआती दौर में 200 रुपए से यहाँ पर लोन स्टार्टअप करती है। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बता रखा है लो सिविल स्कोर है तो आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन के जरिए से घर बैठे लोन ले सकते हैं, इंस्टेंट अप्रूवल पा सकते हैं। पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ लोन सर्व करने वाली एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इसके बारे में पहले फटाफट समझ लेते हैं। अगर आप भारत का नागरिक है, आपकी उम्र 18 साल से लेकर 65 साल के बीच है तो डेफिनेटली आप यहां पर इस एप्लीकेशन द्वारा लोन अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिएगा आपकी सैलरी या फिर इनकम का सोर्स तो होना ही चाहिए। दोस्तों बात आती है यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया था, आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर ही आपको लोन्स प्रोवाइड कराने होते हैं, यानी आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर पैन कार्ड देंगे, एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड देंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए ताकि आधार OTP के बेस पर आप इंस्टेंट KYC कर सके। आपके आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा ऐसे में आप यहाँ पर लोन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा हूँ एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऐप के बारे में जिसके मदद से आप घर बैठे लोन तो ले सकते हैं 100% पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ। एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के तहत ही आपको लोन्स प्रोवाइड कराई जाती है। मिनिमम 200 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का लोन्स प्रोवाइड कराती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पर दोस्तों बात करें तो सालाना 36% एनुअली यहाँ पर चार्ज करने वाली है। प्रोसेसिंग फी की यहाँ पर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर 2% प्लस 18% GST के साथ टोटल 20% चार्ज करने वाली है। और लोन भुगतान करने का जो भी समय आपको मिलेगा मैक्सिमम 2 महीने का यहाँ पर समय देखने को मिल सकता है और मिनिमम भी। तो इस तरह से एप्लीकेशन ये दोस्तों लोन सर्व करने वाली एप्लीकेशन है, 100% पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ लोन सर्व करती है। EMI में ही लोन को आप भुगतान कर सकते हैं। इन फ्यूचर कभी भी अगर आप घर बैठे लोन लेना चाहते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत आ रही है, पूछताछ करना चाहते हैं तो आप इनके ईमेल के जरिए से सपोर्ट या फिर हेल्प दोस्तों ले सकते हैं। आधार पैन के बेस पे ही लोन सर्व करने वाली एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का प्रूफ भी देने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था इस एप्लीकेशन के द्वारा लोन्स भी लिए गए हैं, कितने का लोन मिला है और कितने दिनों का मिला है, ये चीज भी अब हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा था लोनी इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। 3.6 के साथ एप्लीकेशन ये रेट करी और राइट साइड में देख सकते हैं 1 लाख से ऊपर एप्लीकेशन को अब तक डाउनलोड कर लिया गया है। शुरुआती दौर में 200 रुपए से स्टार्टअप करती है। ऑन टाइम पेमेंट करेंगे तो आपकी लिमिट भी इंप्रूवमेंट होगी और आपके सिविल स्कोर भी बिल्ड होगी। लो सिविल स्कोर है तो ये एप्लीकेशन आपके ऊपर काम कर सकती है, यानी आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा। अगर वाकई में पर्सनल लोन्स की रिक्वायरमेंट है, मेडिकल इमरजेंसी आ पड़ती है तो एक बार इस एप्लीकेशन की तरफ जरूर जाइएगा, समय से लोन को भुगतान करिएगा अगर आप लोन लेते हैं तो। अगर आप इस एप्लीकेशन द्वारा इन फ्यूचर कभी भी लोन लेते हैं तो समय से लोन भुगतान करने की भी कोशिश जरूर करिएगा ताकि आपके सिविल स्कोर बिल्ड होते रहे।
दोस्तों फिलहाल मैं आ चुका हूं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और यहां पर भी हम चाहें तो लॉगिन करके अपने प्रोफाइल के साथ चेक कर सकते हैं कि मैंने यहां पर लास्ट टाइम कितने का लोन ले रखा है। यहां पर ऊपर मैं देख सकते हैं मेरे नाम से अकाउंट है, 2000 रुपए का लोन मिला है जो कि यहां पर देख सकते हैं 59 दिनों के लिए, यानी कि लगभग आपको 2 महीने का समय मिल जाता है लोन भुगतान करने के लिए। और ये लोन लिया गया था 1 फरवरी 2022 को, जो कि यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख सकते हैं 5:30 में हमारे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर भी किए गए थे। अगर आप हमारे पहले से सब्सक्राइबर होंगे तो इस बारे में जरूर पता होगा। तो ये एप्लीकेशन लो सिबिल के ऊपर आपको लोन प्रोवाइड कराती है। ये एप्लीकेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही काम की हो सकती है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, सैलरी प्रोफेशनल हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तीनों कैटेगरी में एप्लीकेशन ये लोन सर्व करने वाली है, वो भी बिना इनकम प्रूफ के। आधार पैन के बेस पे लोन ले सकते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो उनके सिविल स्कोर कहीं ना कहीं 0 होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहली बार लोन के लिए अप्लाई करते हैं और उनकी सिविल स्कोर 0 होने की वजह से किसी भी एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करते हैं तो उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है। अगर आप फ्रेश लोन लेना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आप सभी लोगों के लिए काम की हो सकती है। सिविल स्कोर आप यहां पर बिल्ड कर सकते हैं। ऑन टाइम पेमेंट करिएगा तो सिविल स्कोर बिल्ड होने के साथ साथ आपकी लिमिट्स भी यहां पर इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो आपको यहां पर 200 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का मैक्सिमम लोन प्रोवाइड कराती है। और मैंने आपको जैसा कि बता रखा है कि दोस्तों ये आधार पैन के बेस पे ही लोन सर्व करती है, वो भी बिना इनकम प्रूफ के, एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से। जैसा कि यहां पर देख सकते हैं अपोलो फिनवेस्ट इंडिया लिमिटेड, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत ही यहां पर देख सकते हैं अप्रूव है। एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहां पर इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, वो भी कंप्लीट एड्रेस के साथ। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन द्वारा लोन अप्लाई करना चाहते हैं, लाइव स्टेप प्रोसेस देखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पार्ट एक बार दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों इस एप्लीकेशन के अलावा भी और भी ऐसे एप्लीकेशन हैं जो आधार पैन के बेस पे आप मैक्सिमम लोन के साथ साथ मैक्सिमम लोन टर्म की सुविधा भी आपको देखने को मिल सकते हैं, वो भी आप EMI में ही लोन को भुगतान कर सकते हैं। आधार पैन के साथ लोन लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट एक बार दोस्तों जरूर चेकआउट कर लेना चाहिए, वो भी लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ लोन लेकर दिखाया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए।